वो एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नहीं झुठला सकता। जिस व्यक्ति का यहाँ पर जन्म हुआ है उसे एक दिन इस धरती को छोड़कर भी जरूर जाना है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। शरीर में जब तक सांस है तभी तक हमारा वजूद है। जिस दिन शरीर में सांस का आवागमन थम गया उस दिन इस धरती पे हमारा अंतिम दिन होगा। शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हिंदू पुराणों में भी मनुष्य के शरीर की महत्व नाम मात्र ही बताया गया है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आत्मा। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और उसके बाद भी कई तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरी परंपरा के ढंग से उसे विदा किया जाता है। आपने जरूर देखा होगा कि हिंदू धर्म में अक्सर लोगों का दाह संस्कार किसी पवित्र नदी के किनारे या घाट पर करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हिंदू परंपरा के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद कई दिनों तक कर्म कांड का सिलसिला चलता रहता है। रिवाजों के मुताबिक हर दिन कोई ना कोई कर्म कांड का आयोजन जरूर किया जाता है जिससे आत्मा को शांति मिल सके। इंसान की मृत्यु के बाद ऐसा ही एक कर्म कांड होता है अस्थियों का विसर्जन, जिसे गंगा नदी या किसी भी अन्य पवित्र नदी में किया जाता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों दाह संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। पर उससे पहले हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अस्थियां है क्या। मृत्यु के बाद जब मृतक के शरीर को जलाया जाता है तो उसके जलने के बाद शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती हैं, जिसे पूरे विधि विधान के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। अक्सर अस्थियों को मिट्टी के मटके में रखा जाता है, इसीलिए पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि मरने के बाद हर इंसान का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। हिंदू धर्म के सिवाय अन्य धर्म में भी मृत्यु के बाद मिट्टी में ही इंसान को दफनाने का रिवाज बताया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों नदियों में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। एक पौराणिक कथा है, गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई है। हिंदू धर्म में इस नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। इस नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। इस नदी की देवी की तरह पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने के कारण गंगा को पतित पावनी भी कहा जाता है। गंगा में स्नान करने के बाद मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि हर हिंदू की ये अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृतक व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना सबसे उत्तम माना गया है। गंगा में अस्थियों के विसर्जन के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और माना जाता है कि अगर किसी का दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियां जब तक किसी पवित्र नदी में विसर्जित नहीं की जाए तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। यही वजह है कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि माना ये भी जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के पास होती है तो उसे मरने के बाद सीधा
बैकुंठ यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गंगा से दूर या फिर किसी अन्य देश में होती है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में करने के बाद वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है और इस बात का प्रमाण खुद पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा में होती है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। और महाभारत की एक कथा के अनुसार जब तक गंगा में व्यक्ति की अस्थियां रहती हैं तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बना रहता है। तो इन्हीं वजहों से हिंदू धर्म में दाह संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।